हेलो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। तो पेश हूं आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के बारे में डिटेल में, कि क्या इसकी हिस्ट्री है, कब से ये जन औषधि केंद्र खुलने स्टार्ट हुए थे या खुलने शुरू हुए थे, कौन कौन ये प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंदर जो है वो ये खोल सकता है। और उसके बाद कई लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि जो भी प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र खुले हैं, क्या उनमें बिकने वाली दवाइयां उतनी इफेक्टिव होती हैं कि नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मेरी इस वीडियो से मिल जाएगा। पर इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको मेरी ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। तो हम बिना किसी डिले किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंदर जन औषधि केंद्र जो है खुल रहे हैं, काफी जगह खुल भी चुके हैं। कैसे ये स्टार्ट हुए थे, क्या इसकी हिस्ट्री है। जैसे कि आपको पता है कि जो ब्रांडेड मेडिसिंस होती हैं या जो एथिकल मेडिसिंस होती हैं, उनका प्राइस काफी हाई होता है, और जिसकी वजह से जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं उन लोगों के लिए ये मेडिसिंस होते हैं वो अनअफोर्डेबल हो जाती है। तो इसको देखते हुए एक फार्मा एडवाइजरी फॉर्म नाम की एक मीटिंग में 23 अप्रैल 2008 में ये डिसाइड किया गया कि अब से एक जन औषधि केंद्र जो है वो खोले जाएंगे। अब जन औषधि केंद्र जो है वो खोलने का क्या डिसाइड किया गया कि 734 डिस्ट्रिक्ट जो चुने गए जहां पे ये जन औषधि केंद्र या जन औषधि सेंटर जो है वो खोले जाएंगे। ठीक है, ये इन्होंने डिसाइड कर लिया। उसके बाद ये बात करते हैं कि इनमें कौन सी दवाइयां बेची जाएंगी। इनमें बेची जाएंगी जेनरिक मेडिसिंस एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस, मतलब जेनरिक दवाइयां जो होती हैं वो एथिकल और ब्रांडेड मेडिसिन से थोड़ी अलग होती हैं। मैं एक वीडियो बना भी चुका हूं कि दोनों में क्या फर्क होता है। बेसिकली जेनरिक मेडिसिन एंड ब्रांडेड मेडिसिन दे आर ऑफ द सेम, दे आर हैविंग द सेम थेरेप्यूटिक एक्शन। लाइक पैरासिटामोल एक जेनरिक की बात कर ली और पैरासिटामोल ब्रांडेड की बात भी कर ले, दोनों का एक सेम थेरेप्यूटिक एक्शन ही रहता है। अब अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताना चाहूं, सिंपल भाषा में मैं कैसे बता सकता हूं, सिंपल भाषा में मान लो आपने जो है किसी नॉर्मल एक ठेले पे कहीं पे चाय का गिलास पिया, ठीक है, नॉर्मली वो आपको 5 या 10 रुपए का मिलेगा, वही चाय आपने ब्रांडेड कहीं शॉप पे पी ली तो वो आपको 30 और 40 का मिल जाएगा। चाहे दोनों का सेम एक्शन है, चाय तो वही काम कर रही है, चाय के अंदर जो कैफीन है वो उसके अंदर भी वही काम कर रहा है और उसके अंदर भी वही काम कर रहा है, और बनी भी सेम तरीके से ऑलमोस्ट। पर आपको जो चाय जो आपको ठेले पे आपने पी है वो 10 रुपए की मिली है, जबकि ब्रांडेड मेडिसिन जो आपने एक ब्रांडेड शॉप पे जाके पी है, एक ब्रांड के अंदर जाके पी है, वो आपको महंगी पड़ी है। सिमिलरली मेडिसिन के केस में होता है, जेनरिक मेडिसिन एंड ब्रांडेड मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन जो है वो काफी अफोर्डेबल प्राइस पे जो है कंज्यूमर्स को मिल जाती है, जबकि ब्रांडेड मेडिसिन जो है दे आर ऑफ हाई प्राइस, और एथिकल मेडिसिन होते हैं, एक ब्रांड होता है, एक कंपनी का नाम होता है उसका, तो अल्टीमेटली उनका प्राइस ज्यादा होता है। तो जन औषधि केंद्र में ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन जो है अफोर्डेबल प्राइस पे पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले जो कस्टमर्स हैं या पेशेंट्स हैं उनको दी जाएंगी, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। अब बात कर लेते हैं कि इसको हैंडल कौन करता है। इसको हैंडल करता है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया। ये एक एजेंसी है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, जो जन औषधि केंद्र को होल्ड करती है, मतलब जिसके अंदर ये सारे जन औषधि केंद्र खुलते हैं। क्या काम होता है इस एजेंसी का, एक तो देखना प्रॉपर रनिंग हो रही है कि नहीं, जेनरिक ड्रग्स की मार्केटिंग करना, ठीक है, प्रॉपर इंस्पेक्शन करना इन जन औषधि केंद्र के अंदर, और मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट करना फ्रॉम द सेंट्रल फार्मा एजेंसीज, ठीक है, एंड प्राइवेट सेक्टर। कई बार हमें ये डाउट होता है ना कि ये यहाँ पे दवाइयां आएंगी कहां से, तो सेंट्रल फार्मा यानी कि पीएसयू सेक्टर्स एंड नॉर्मल प्राइवेट फार्मा कंपनी से जो है यहाँ पे मेडिसिन जो है मंगवा के जन औषधि केंद्र में जो है बेची जाएंगी। तो ये है इसके पीछे की हिस्ट्री। 2008 में ये डिसाइड किया गया था, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया इज अ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो इनको जो जो भी पूरा होल्ड करती है इस पूरी चीज को,
ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन एक जो था वो ये था कि कौन कौन ओपन कर सकता है। आपने अगर डी फार्मा किया है, आपने अगर बी फार्मा किया है, आप एक अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो तो हाँ आप इसे ओपन कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई एक एनजीओ यानी कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई व्यूमन इंटरप्रेन्योर या कोई भी जो बंदा है वो इसको खोलना चाहता है तो उसको किसी भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को एज ए एम्प्लॉय अपने उस जनऔषधि केंद्र में रखना होगा, तभी वो उसको जनऔषधि केंद्र को ओपन कर पाएगा। तो ये थी इसके पीछे की हिस्ट्री। अपनी नेक्स्ट कुछ वीडियोस में बताऊंगा कि मार्जिन कितना होता है, इंसेंटिव कितना होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको फुलफिल करके आप जनऔषधि केंद्र यानी कि भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंदर एक जनऔषधि केंद्र चला सकते हो और जनऔषधि सेंटर चला सकते हो। आई होप मेरी वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल रही होंगी। मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस और इस तरह की यूजफुल नॉलेज आपके सामने लेके आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। थैंक यू।